हेलो फ्रेंड्स, अभी बजुका का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि हर डॉग का साल में एक दो बार ज़रूर होता है। तो मैंने ये वाला एक ब्रश लिया है हैंड ग्लव्स, जिससे कि मैं इसको रफ कर सकूँ, ठीक है, और हेयर फॉल जो है जितना भी है सब गिर जाए। तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा मैं इसको किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये का आता है। तो हफ्ते में मैं इसको 2 बार सुबह शाम ज़रूर करता हूँ ताकि इसका हेयर फॉल जो भी है बिस्तर में ना लगे और मतलब घर के अंदर ना हो, तो बाहर ही कर देता हूँ। तो आगे वीडियो में आप देखते रहना। तो इस तरीके से ये हैंड ग्लव्स वेयर करना है और हमको देखो जहाँ से बाल इसका झड़ रहे हैं वहाँ पे हमको थोड़ा इस तरीके से हल्के हाथ से फेरना है ताकि इसका जो भी बाल जो टूटने वाले हैं सिर्फ वही गिरेंगे, ठीक है। ये देखो पूरे हाथ में देखो ऐसे इस तरीके से गिर झड़ेंगे। देखो वाइट वाइट वाले दिख रहे हैं तो इसलिए वाइट वाले देखो हाईलाइट हो रहे हैं ज़्यादा टूटते हुए, हालांकि ब्लैक भी बहुत सारे टूट रहे हैं। आप ज़मीन में देख सकते हो कितने सारे गिर गए हैं डेड बाल, तो डेड हेयर। तो इस तरीके से होता क्या है कि ना देखो आप मेरे घर में तो ये होता है, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा गुस्सा होती है कि देख हर जगह बजुका का बाल है, कभी इधर गिर गया कभी उधर गिर गया, तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अभी तो घर वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, जब बाहर से कोई आते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाल इधर उधर गिरता है। हालांकि बजुका का बाल दिखता नहीं है, पिटबुल की यही खासियत है, इनके बाल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक इनके दिखते ही नहीं, बिल्कुल ही बाल गिरे भी होंगे तो नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनका बाल गिरता नहीं है, इनका बाल गिरता है, इनका भी बहुत छोटे होते हैं लेकिन गिरता है। तो इस तरीके से आप देखो कर सकते हो, ठीक है। आप मॉर्निंग में करो, ठीक है, वॉक से पहले करवा दो ताकि ये एक्टिव रहे। देखो अभी मैं इसके बाद वॉक पे ले जाऊंगा तो ये काफ़ी हैप्पी हैप्पी सा रहेगा। अभी देखो कितने मज़े से करवा रहा है, देखो इसको ऐसा लग रहा है कि एकदम मसाज कर रहा है। ये लोग तो मेरा नुकर है और मेरा बिल्कुल मसाज चंपी उम्पी सब कर दे रहा है, इस तरीके से सोच रहा है, ठीक है। तो होता है देखो पेट रख रखे है तो घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है कि यार थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता है, उसका बाल वाल गिरता है तो वो बोल देता है। तो आप भी इस तरीके से लेके आओ हैंड ग्लव्स, आप बहुत तरीके के आते हैं, कॉम्ब आते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे, इससे भी अच्छे अच्छे बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन जो मेरे को ये अच्छा लगा मैं ये ले आया। इसको आप नहलाते समय भी शैम्पू वैम्पू जब करते हो तब उसके बाद इसको रफ करते सकते हो, है ना, तो ये भी बहुत काम आता है। तो ज़्यादा मत करना क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, और करने के बाद देखो जब कंप्लीट हो जाए ना तो इस तरीके का आप कपड़ा लेना और इसके शरीर पर पूरा अच्छे से फेरना ताकि जो भी बाल टूटे हुए थे वो सारे के सारे ज़मीन में गिर जाए। ये चीज़ याद से ज़रूर करना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं तो जो बाल थे सारे के सारे घर के अंदर ही गिरेंगे। तो उससे पहले ही आप अपने डॉग के शरीर को अच्छे से साफ़ करें, है ना। इससे क्या होता है कि ना डॉग एकदम आपका चकाचक क्लीन रहता है। जैसे देखो बजुका एकदम दूल्हा बन चुका है, अब ये एकदम रेडी हो गया, अब ये शादी करेगा, अब ये धन धन धन